इस बात को कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ कारोबार के लिए की गई थी, लेकिन भारत की धन धान्य से भरपूर रियासतों की आपस की लड़ाई और मजबूत नेतृत्व की कमी को देखते हुए कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं जाग गईं और उसने भारत का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में 22 सितंबर का एक खास महत्व है। दरअसल 1599 में वह 22 सितंबर का ही दिन था जब लंदन में 21 कारोबारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी के गठन पर विचार किया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी नींव आज से 400 साल पहले डल चुकी थी, जो भारत आई तो थी मसालों का व्यापार करने, लेकिन एक बार पैर जमाने के बाद भारत पर 200 सालों तक राज किया। कंपनी जब आई थी तब भारत उसके लिए बिल्कुल नया था। मुगलिया शासन चल रहा था। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का ईस्ट इंडिया ने आगे चलकर इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। इन 200 सालों में हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश हुकूमत से रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, महात्मा गांधी समेत न जाने कितने असंख्य वीर जवानों ने इसके खिलाफ बिना झुके लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी की बदौलत ही हमें साल 1947 में आज़ादी मिली और हम ब्रिटिश हुकूमत को देश से खदेड़ने और उनके देश वापस भेजने में सफल रहे। इतिहास में जाएं तो साल 1599 का ही वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी पर चर्चा लंदन के एक होटल में हुई थी। यह होटल था लंदन का फाउंडर हॉल। बातचीत के लिए 21 कारोबारियों ने बैठक की। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। इस बैठक से यह तय हो गया कि भविष्य में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होने वाला है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। वैसे तो इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव के बाद साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। हिंद महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। ब्रिटेन से पहले डच और पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे थे। अभी थोड़ा पहले चलते हैं और साल 1600 के आसपास की बात करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया था। चार्टर का मतलब था इजाज़तनामा। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ सस्ती चीज़ें खरीद कर उसे यूरोप में ऊँची कीमत पर जाकर बेच सकती थी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी काफ़ी मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा भी कम होने लगा। इस व्यापार में फ़ायदे का सौदा देखते हुए अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मौका मिलने पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती तो कहीं कोई रुकावट रास्ते में खड़ा कर देती थी। ब्रिटेन की ओर से भेजे गए विलियम हॉकिंस के सामने चुनौती मुगलों को मनाने की थी। हॉकिंस को जल्दी एहसास हो गया था कि मुगलों की इस विशाल सेना से पार पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे मुगल बादशाह से सहयोग की जरूरत थी। हॉकिंस ने आगरा पहुंचकर जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी चाही, लेकिन जहांगीर ने उसे यह अनुमति नहीं दी। हॉकिंस के बाद ब्रिटेन से राजदूत सर थॉमस रो 1615 में आगरा पहुंचे। उन्होंने बादशाह को तोहफे के रूप में शिकारी कुत्ते और पसंदीदा शराब शामिल की। जहांगीर का मन जीतना इतना भी आसान नहीं था। 3 साल लगातार चले बातचीत के दौर के बाद जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदकर उसे विदेश में महंगे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की थी।
कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस भी था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहां पर उसके दफ्तर भी थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। कंपनी ने इसके बाद सौदागरों और व्यापारियों को अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। साल 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद डाली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, तो जो बाद में कलकत्ता और उसके बाद अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने तब के मुगल शासक औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। 1681 में भारत में व्यापार कर रहे व्यापारियों ने सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। इसके बाद साल 1686 में 19 युद्ध पोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों के साथ एक बड़ा बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। लेकिन मुगलों की सेना इस हमले के लिए पहले से तैयार थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना मक्खी की तरह ढेर हो गई। बंगाल में 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर भगा दिया गया था। सूरत के कारखाने बंद कर दिए गए थे। तब की बंबई में भी कमोबेश यही स्थिति थी। कंपनी के कर्मचारियों को अपराधी की तरह अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद मुगल बादशाह से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और माफी भी मांगी। 1690 में कंपनी को औरंगजेब ने माफ कर दिया। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था। इसका एक उपाय निकाला गया। उस समय बंगाल में पोस्ते की खेती के साथ बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए। अफीम को इसके बाद तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी बर्तन भी खरीदे और खूब मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी युद्ध 1757 के पहले मीर जाफर को अपने पाले में मिला लिया। मीर जाफर के मन में शासक बनने की इच्छा थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी और नवाब की सेनाओं में युद्ध हुआ और अंग्रेज विजयी हो गए। मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसी के साथ भारत में अंग्रेजों की ओर से भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे सरीखे, वीर भारतीय रणबांकुरों ने ब्रितानी हुकूमत को खूब धूल चटाई थी। अपने प्राणों की आहुति देने के बावजूद अंग्रेजों के मन में भय जरूर पैदा कर दिया था। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई ही थी जिसके बाद से हर भारतीय के मन में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति जागी। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके बाद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, चाफेकर बंधु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के प्रयासों का ही नतीजा था कि हमें 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आज़ादी मिली और 200 सालों की गुलामी से भी मुक्ति। ब्रिटेन ने भारत में एंट्री, शासन और वापस लौटने के बीच काफ़ी लूटपाट की। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन ने 1765 से 1938 के बीच $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी। लेकिन गुलामी के जख्म को पीछे छोड़ते हुए आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तारीफ के काबिल बात यह है कि उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। इसका जिक्र हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और भारत की इस खास उपलब्धि पर खुशी और गर्व भी महसूस किया।